माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 दिन का जो हमारी कार्य योजना है उसको हम पूरा करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। नमस्ते, मैं हूं अजय सोनी, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। नए कैबिनेट मंत्री टोकन साहू रायपुर आ चुके हैं। आज उनका मंत्रिमंडल में शपथ लेने के बाद छत्तीसगढ़ पहला आसमान है और ये एयरपोर्ट का नजारा है। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके स्वागत में कार्यकर्ता यहाँ पर ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हैं। लोग अपने हाथों में गुलदस्ता और उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये रायपुर का एयरपोर्ट है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं नेताओं का हुजूम लगा हुआ है। टोकन साहू 55 वर्ष के टोकन साहू है, वो एकमात्र ऐसे छत्तीसगढ़ से सांसद है जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। टोकन साहू को कैबिनेट में जगह मिलना एक कई संदेश देता है, क्योंकि कई बड़े दिग्गजों के नाम कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन उन सभी नामों को पीछे छोड़ते हुए टोकन साहू मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में सफल हुए। और मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद, अपना कार्यभार संभालने के बाद आज रायपुर पहली बार पहुंचे हैं। यही कारण है कि कार्यकर्ता में जोश जबरदस्त देखने को है। और ये यहाँ पे तमाम नेता हो, विष्णुदेव साय के कैबिनेट में मंत्री हो, चाहे वो भाजपा के पदाधिकारी हो, सभी यहाँ पर टोकन साहू का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए। तो आप देख सकते हैं लोग उनसे बात करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं। महिला कार्यकर्ता हो, चाहे युवा कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा के वरिष्ठ नेता, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका स्वागत कर। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये कह सकते हैं एक अलग दिन है, खास दिन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से एकमात्र जो सांसद है टोकन साहू, उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें शहरी आवास मंत्री तो बनाया गया है। और आपको बता दें, पिछले जो मोदी कैबिनेट थी उसमें भी छत्तीसगढ़ से एक सांसद को कैबिनेट में जगह मिली थी, वो थी रेणुका सिंह। लेकिन तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, उसमें छत्तीसगढ़ से मात्र टोकन साहू को जगह मिली है। निश्चित रूप से टोकन साहू को कैबिनेट में जगह देने के पीछे कई संदेश देने का काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने। और टोकन साहू ओबीसी चेहरा है। टोकन साहू लोरमी से चुनाव लड़ते थे और वो लोरमी से 2023 के चुनाव में भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहां से उस दौर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री है, डिप्टी सीएम है अरुण साहू, वहां चुनाव लड़े और उन्होंने दावेदारी बंद कर दी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में बिलासपुर से उन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया और वो भारी मतों से जीत कर लोकसभा सांसद पहुंचे। और जब जीते तब तक लोगों में या कह सकते हैं उनका नाम तक किसी को नहीं लगा था कि टोकन साहू मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अचानक से जब दो तीन चार दिग्गजों के बीच टोकन साहू का नाम का ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए। और खास करके जो निचला तबका है या ओबीसी वर्ग है वो काफी उत्साहित हुआ, खास करके छत्तीसगढ़ का साहू समाज काफी उत्साहित हुआ कि उनके समाज से एक कैबिनेट मोदी कैबिनेट में जगह पाने में सफल हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से स्वागत करने के लिए टोकन साहू को सुनिए, फूल माला सुनकर स्वागत करने के लिए, उनके साथ फोटो लेने के लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। निश्चित रूप से हम भी बात करने का प्रयास करेंगे टोकन साहू। टोकन साहू का राजनीतिक करियर महज एक पंच से शुरू हुआ था। वो एक पंच बने थे, पंच से जनपद सदस्य बने, जनपद से विधायक बने और विधायक के बाद आज वो कैबिनेट मंत्री बनकर छत्तीसगढ़ लौटे हैं। छत्तीसगढ़ तक के दर्शकों को मैं बता दूं कि टोकन साहू मोदी कैबिनेट में जगह मिलने के बाद और मोदी कैबिनेट अपने मंत्रालय में अपना काम का शुरू करने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं में जोश है और उनके स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित रूप से अभी हम उनसे बात देखिए, एयरपोर्ट कार्यकर्ताओं से पटा हुआ है, पूरा कार्यकर्ता यहाँ पर। निश्चित रूप से विष्णुदेव साय के कैबिनेट के जितने लोग हैं सभी लोग वहाँ पे हुए हैं और हम प्रयास ये टोकन साहू
जो झुझुम में यहाँ पर है, झुझुम है बैठक भी की है। प्राथमिकता क्या रहेगी छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो वो भी संज्ञान में आए साहू से बात करने का प्रयास के लिए उनसे मिलने के लिए इतने आतुर हैं कि अभी उनका बात करना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन बात करेंगे। छत्तीसगढ़ और पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनने का अवसर प्रदान किए हैं। एनडीए की सरकार मजबूती के साथ देश के लिए काम करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है और भी आगे बढ़ेगा, इसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। सौ 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 दिन का विजन, सौ दिन का विजन लेके गए थे प्रधानमंत्री से, किस तरह का मार्गदर्शन? देखिए, 100 दिन का हमारा लक्ष्य है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो 100 दिन का जो हमारी कार्य योजना है उसको हम पूरा करेंगे। आपका जो मंत्रालय मिला है उससे कितनी संभावना देखते हैं छत्तीसगढ़? पूरी संभावना है, डबल इंजन की सरकार है। टोकन साहू जी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से 100 दिन का विजन है मोदी कैबिनेट का, पहला उनका बैठक हुआ और वो 100 दिन का जिस तरह से पहला विजन बना था, उस विजन को लेकर इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में किस तरह से काम करना है, उसको लेकर पूरी रूपरेखा बन चुकी है और जो मंत्रालय उनको मिला है उस लिहाज से छत्तीसगढ़ में भी काम करने का काफी अवसर है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।